ऊपर जाएगी मैं पोजीशन आप ले लेता हूं, तो मैं आपको यहां पे गारंटी देता हूं आप यहां पे 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे मार्केट के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ, इसी चीज को मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही दबाएं बेल आइकॉन ताकि आपको जरूरी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, निफ्टी का मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया हुआ है और चार्ट के अंदर जो कैंडल फ्रेम है वो यहाँ पे 1 डे कैंडल फ्रेम है, ध्यान देना 1 डे कैंडल फ्रेम, इससे नीचे आपको नहीं रखना है अगर आपको यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है। कैंडल आपको कब यहाँ पे स्प्लिट करना है यानी कि 15 मिनट की 5 मिनट की वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे एनालिसिस करनी है, यहाँ पे डिटेल में आपको पोजिशन बनानी है या नहीं बनानी है तो आप हमेशा यहाँ पे 1 डे कैंडल फ्रेम रखेंगे। ये बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे आसान भाषा में बताऊंगा और इसके अंदर आपकी आईवी भी आएगी, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन भी दिखाऊंगा, इसके अंदर एक्चुअली हुआ क्या है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे कैंडल पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये बजट वाले दिन की कैंडल है यानी कि 1 तारीख की और ये 2 तारीख की और ये 3 तारीख की आज यहाँ पे क्लोज हुई है। आज का जो मूव था यहाँ पे निफ्टी के अंदर 286 पॉइंट का, टोटल एंटायर यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है, ठीक है, टोटल और यहाँ पे देखेंगे लगभग ये 700 पॉइंट का मूव इसके अंदर था, 700 पॉइंट का मूव, और उससे पहले दिन भी ये काफी बड़ा मूव था यानी कि 400 पॉइंट से ऊपर का मूव था यहाँ पे भी। अगर इन कैंडल्स के अंदर आप देखें ये सारी ही कैंडल यहाँ पे पोजिशन लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडल थे, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे पोजिशन बनाई, इस कैंडल के अंदर यहाँ पे पोजिशन बनाई थी ओपनिंग में या उससे पहले दिन भी यहाँ पे पोजिशन बना ली थी ओवरनाइट। वो क्यों बनाई, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी न्यूज छुपी हुई थी, ध्यान देना इस कैंडल के अंदर न्यूज थी। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी न्यूज नहीं है, ध्यान देना हमारे पास अब कोई न्यूज नहीं है, लेकिन कैंडल यहाँ पे देखो जो इंटायर कैंडल है वो 286 पॉइंट की है और हमको यहाँ पे ध्यान देना जब भी आपको यहाँ पे निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है ऑप्शंस के अंदर तो यहाँ पे कैंडल पैटर्न आपकी ध्यान देना जो एवरेज कैंडल पैटर्न का मूव होना चाहिए वो तकरीबन 100 पॉइंट से नीचे होना चाहिए, समझ गए। अगर निफ्टी का जो मूव है किसी दिन आपको यहाँ पे 70 पॉइंट या फिर 65 पॉइंट का दिखता है ये बिल्कुल एक परफेक्ट कैंडल है पोजीशन बनाने के लिए, यहां से आपको लॉस कभी नहीं हो सकता, ध्यान देना ये 100% आपको यहाँ पे प्रॉफिट देंगे ही जाएंगे। आप यहाँ पे रिलैक्स होके सो सकते हैं, मॉर्निंग में देखेंगे आपको प्रॉफिट हुआ मिलेगा। ये कैसे मैं आपको यहाँ पे क्लियर बिल्कुल समझाता हूँ, ठीक है, वीडियो के अंदर आप लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन जाएंगे। उसके बाद मुझसे ये नहीं पूछेंगे सर यहाँ पे मार्केट कहाँ चलने वाली है कल, मैंने तो यहाँ पोजीशन बना रखी है। कोई बोलेगा सर कल मार्केट नीचे गिरेगी या ऊपर जाएगी, ये आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपको पता है, ये चीजें मार्केट को भी नहीं पता, कितने बड़े यहाँ पे एनालिसिस होना उसको भी नहीं पता कल मार्केट कहाँ चलेगी और क्या न्यूज यहाँ पे कल रात भर के अंदर आने वाली है, यानी कि कोई बम गिरने वाला है यहाँ पे या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पे होने वाली है, पता नहीं यहाँ पे क्या न्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, रात का यहाँ पे किसी को नहीं पता, इसलिए इन चीजों का आकलन आप कभी भी मत करना, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे अनुमान लगाते हैं मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी कल कहाँ जाएगी तो एक आध दिन तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं होगा, एक दिन आपको बड़ा लॉस दे जाएंगे और सारा प्रॉफिट एक दिन ही आपको यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब दोस्तों एक कैंडल का मैं यहाँ पे आपको उदाहरण दूंगा, कौन सी वो कैंडल है जो हमारे लिए परफेक्ट कैंडल हो सकती है, बहुत सारी कैंडल यहाँ पे बनी और उसका मैं आपको यहाँ पे उदाहरण दूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा हाँ मुझे यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए। तो इस कैंडल को मैं अगर मैं देखूं तो इसके अंदर जो मूव था तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं 59 पॉइंट का मूव था। इस तरह की कैंडल आपको अगर मिलती है, ध्यान देना इस तरह की कैंडल मिलती है 59 पॉइंट या 69 पॉइंट, ये बिल्कुल ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडल है ऑप्शंस बायर के लिए, ध्यान देना ऑप्शंस बायर के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडल है, इसको कभी भी आप मत छोड़ना, मैं भी नहीं छोड़ता हूँ और आप भी मत छोड़ना, पूछने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको BTST करना ही करना है, ध्यान देना BTST आपको यहाँ पे करना है और मैं भी इसके ऊपर वीडियो ला जाता हूँ शाम को 2 बजे, क्योंकि 2 बजे बाद यहाँ पे पता चल जाता है मार्केट इसी कैंडल के अंदर सिमट जाएगी, ध्यान देना इसी कैंडल के अंदर मार्केट रह जाएगी, अब इससे ऊपर यहाँ पे मार्केट नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो 2 बजे बाद या 2:30 बजे बाद हम यहाँ पे कभी भी पोजिशन बना सकते हैं या 3:20 या 3:25 कभी भी आप यहाँ पे पोजिशन बना सकते हैं। इस तरह की कैंडल अगर बनने को रेडी है भैया, इतना ही मूव यहाँ पे आया है, क्लियर। तो कैंडल मैंने आपको यहाँ पे बता दी, अब असल में आप यहाँ पे समझेंगे कैंडल के अंदर ऐसा होता क्या है कि पोजीशन छोटी कैंडल में हमको यहाँ पे अगले दिन बड़ा प्रॉफिट होता है और बड़े कैंडल बनती है तो अगले दिन छोटा प्रॉफिट होता है, यानी कि प्रॉफिट ही नहीं होता, लॉस हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत लोगों ने इस कैंडल के अंदर पोजीशन बनाई थी, ये कैंडल बिल्कुल परफेक्ट नहीं है
यानी कि BTST करने के लिए, ध्यान देना बहुत लोगों ने BTST किया था, क्योंकि मैं लाइव वीडियो जब लाया था इवनिंग में 8:30 पे, आपने देखा होगा बहुत लोग बोल रहे थे सर मैंने यहाँ पे कॉल ले रखा है, मैं क्या करूँ, कल मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे खुलेगी, कहाँ खुलेगी। तो मैंने उनको क्या बोला, भैया यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो प्रॉफिट बुक कर लेना आप लोग, ये मत समझना मार्केट कहाँ जाएगी, जो प्रॉफिट मिलता है आपको बुक कर लेना। अगर यहाँ पे बहुत गलत ट्रेड था, वो ये ट्रेड बहुत गलत था, हालांकि आपको प्रॉफिट हो गया, मानता हूँ ठीक है, ये सट्टा यहाँ पे सही लग गया आपका, लेकिन यहाँ पे हमेशा आपको लॉस हो जाएगा। इस कैंडल को आप ध्यान से देखेंगे, अगर उस दिन इस कैंडल की जगह वो कैंडल यहाँ बनती, यहाँ बनती या यहाँ बनती, तो बहुत बड़ा लॉस आपको हो जाना था, ठीक है। हालांकि आपने छोटी प्रीमियम बाय कर रखी होगी, लेकिन लॉस तो लॉस ही है ना, तो यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा, ओके। क्योंकि इस तरह का यहाँ पे कभी भी नहीं होता है, एक आध दिन चलो आज यहाँ पे न्यूज था यहाँ पे हो गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, इससे आप बच के रहना अगर आपको यहाँ पे कंटिन्यू प्रॉफिट करना है और स्टॉक मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है। अब यहाँ पे समझना दोस्तों, कैंडल, बड़ी कैंडल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बड़ी कैंडल का मतलब यहाँ पे आईवी, ये रिलेटेड है यहाँ पे आईवी से, बड़ी कैंडल बनी है, इट मीन्स यहाँ पे आईवी यहाँ पे इंक्रीज हो रखी है, यानी कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी इंटायर ऑप्शन चेन, ध्यान देना इंटायर ऑप्शन चेन। अब ये आईवी क्या है भाई, ये क्या बोला है आईवी, आई कहाँ से, आईवी इसलिए आई क्योंकि आपने पोजिशन यहाँ पे वाइड एंगल में बनी है। अब वाइड एंगल में बनी क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट या तो बहुत ऊपर जाएगी या यहाँ पे मार्केट बहुत नीचे गिरने वाले, इसलिए लोगों ने यहाँ पे जो बड़े पैसे वाले थे उन लोगों ने क्लोज पोजीशन बनाई, और जो रिटेल थे यहाँ पे छोटे निवेशक मेरे जैसे, उन लोगों ने दूर दूर यहाँ पे दबा के पोजीशन बना ली। तो इट मीन्स यहाँ पे डेल्टा वैल्यू तो ऊपर जाने वाली है, डेल्टा वैल्यू मतलब निफ्टी तो फ्लक्चुएट करेगी, और उसके साथ यहाँ पे पोजिशन भी यहाँ पे ज्यादा बन गए, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पे बहुत इंक्रीज हो गया ऑप्शन के अंदर, इंटायर ऑप्शन के अंदर। अब यहाँ पे आपको इस कैंडल के बाद लॉस क्यों होगा, अगर इस कैंडल के बाद अगर छोटी कैंडल बनती है तो यहाँ से लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, भले आप यहाँ पे कॉल लो या पुट लो, कुछ भी लो, आप लॉस होना ही होना है, कैसे वो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर दिखा देता हूँ। यहाँ देखो तो मार्केट के अंदर मूव तो आज भी बढ़िया था, तो प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, कॉल वालों को प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, बताओ क्यों नहीं हुआ प्रॉफिट, ये वही वजह है यहाँ पे बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बनना। तो यहाँ देखेंगे आप पुट के अंदर भी लॉस है, कॉल के अंदर भी लॉस है ना, दोनों साइड लॉस है। अगर आप यहाँ पे आउट ऑफ द मनी देखो, इन द मनी छोड़ दो, यहाँ पे इन द मनी के अंदर भी उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है, अगर बाद में जो लोग घुसे होंगे ना उनको लॉस ही हुआ होगा, यहाँ तो ग्रीन में दिखा रहा है, ठीक है ये तो गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है यहाँ पे, ये तो केवल गैप अप ओपनिंग है। अगर मैं पूछूं किसी से कि आप अगर इन द मनी में है प्रॉफिट में है, वो कभी नहीं बोलेगा कि प्रॉफिट में, वो लॉस में होगा, मैं बता देता हूँ लॉस में होगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने आज आपको बता दिया कि आज आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, कल मेरी वीडियो भी नहीं आई थी इसलिए नहीं आई यहाँ पे, जब भी मेरी वीडियो यहाँ पे नहीं आती है तो समझ लेना है कल कोई खास ट्रेड है ही नहीं, यानी कि लेना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा बड़ी कैंडल का मतलब, इंटायर ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे दूर दूर पोजीशन बनी है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, अब यहाँ पे वॉल्यूम डाउन होने लग जाएगा और यहाँ पे मार्केट स्क्वीज करने लग जाएगी। पहले मूव यहाँ पे इतना बड़ा हुआ करता था, अब यहाँ पे छोटे छोटे मूव होंगे निफ्टी के अंदर इतने छोटे, और ये पूरे यहाँ पे सेलिंग होने लग जाएगी, इट मीन्स यहाँ पे आपकी प्रीमियम यहाँ पे जीरो होते होते जीरो हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे दोस्तों यहाँ पे कैंडल की थ्योरी, अब समझना आगे, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर आप बने रहना, वीडियो यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए होने वाली है, इस तरह की वीडियो बार बार आपको नहीं मिलेंगी। अब मान लीजिए आपने इस कैंडल के अंदर, मान लीजिए मैं पोजिशन बनाता हूँ, अगर इस तरह की कैंडल मुझे मिल जाती है जो बहुत छोटी है, और पीछे भी मैंने आपको एक कैंडल दिखाई थी जो कि बहुत छोटी कैंडल थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल ही यहाँ पे जिसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम था और मूव बहुत कम था, ये देखो ये 92 पॉइंट की है, और इससे छोटी कैंडल भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जहाँ पे मूव कम था, उसका फायदा क्या होगा वो समझना, ये भी 92 पॉइंट है, ओके इससे भी छोटी मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, ओके वेरी नाइस। 86 पॉइंट का केवल मूव है इस कैंडल के अंदर, अब इसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा, ये आपका यहाँ पे जैकपॉट कैसे बन जाएगा ये आप समझना। मान लीजिए ये कैंडल आपको मिलेगी ट्रेड के लिए, आपने यहाँ पे क्या ले लिया, पुट भी ले लिया और यहाँ पे आपने कॉल भी बाय कर लिया। अगर इस तरह की कैंडल आपको मिलती है और एक्सपायरी के भी टाइम है, यानी कि मान लीजिए आपने एक तारीख को बाय किया यहाँ पे, एक तारीख को, ये दो तारीख, तीन तारीख, चार तारीख, पाँच तारीख, और यहाँ मान लीजिए एक्सपायरी है 6 तारीख को, अगर आपने यहाँ पोजिशन बना रखी है इस कैंडल के अंदर, तो आपको यहाँ से अपनी पोजीशन कॉल पुट दोनों को ही यहाँ पे एग्जिट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्या नहीं है, एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कैंडल के अंदर जो आपको यहाँ पे प्रीमियम मिली होंगी,
तो यहाँ पे अंडर 40, मान लीजिए आपने अभी 30 रुपये की यहाँ पे कॉल बाय करी और 30 रुपये की आपने यहाँ पे पुट बाय करी। अब समझना क्या दोस्तों, मार्केट यहाँ से देखो, मार्केट यहाँ से दुगुनी तिगुनी हो चुकी है। जो कैंडल है, कैंडल पे ध्यान देना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 गुना यहाँ पे मार्केट बढ़ जाता है। और ये भी उसी प्रकार से आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डेल्टा वैल्यू कैलकुलेट होती है। 30 वाली प्रीमियम आपके यहाँ पे तकरीबन 300 क्रॉस कर जाएगी, लगभग 300 क्रॉस आपकी कर जाएगी अगर आपको यहाँ पे कॉल इन जगहों पे लगा है। क्लियर दोस्तों, 300। और लॉस कितना हुआ, ये जीरो हो जाएगा। ये 300 गए आपका, ये 30 रुपीज़ आपके गए और 30 रुपीज़ से आपने 300 बना दिए। कितना प्रॉफिट हुआ आप समझ सकते हैं। इस तरह की कैंडल आपको मिलती है तो यहाँ पे आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे समझना दोस्तों, प्रॉफिट तो मैंने बता दिया, कोई बात नहीं, लॉस कौन बताएगा। अब लॉस भी मैं आपको बता देता हूँ। लॉस आपको इस कैंडल में दोस्तों तभी होगा, इस कैंडल में आपको लॉस तभी होगा जब मार्केट यहाँ पे स्क्वीज कर जाएगी अपनी जगह। देखो इस रेंज में यहाँ पे बच जाएगी, इसी रेंज में घूमती रहेगी एक्सपायरी तक, तब आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। अदरवाइज इस कैंडल के अंदर आपको लॉस हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो प्रॉफिट आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है इस तरह की कैंडल में। लॉस कितना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, रेशियो कितना जबरदस्त है इसको आपको हमेशा देखना चाहिए। ओके, ये क्लियर नहीं आ पा रहा, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा कर लेता हूँ। ओके, ये कैंडल आपकी एंट्री पॉइंट थी, यह आपका यहाँ पे टारगेट है और यहाँ पे आपका कहीं लॉस पॉइंट है। लॉस कितना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग इस कैंडल का कमाल, टारगेट 596 और लॉस पॉइंट 49।